नमस्कार दोस्तों, ड्रीम क्लास के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर जय मंथराणी आपका तहे दिल से हमारे ड्रीम क्लास के चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बीसीए जॉब के लिए मैंने बात की थी, आपने हमारे आगे के वीडियोस देखे होंगे, मिस्टर उत्पल सिंह परमार, मिस्टर वीर पच्चीगर और मिस्टर एच शाह। आज वैसे उनके एक दोस्त, एक शख्स मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूंगा जिनसे मैं आपको रूबरू बातचीत करूंगा। वो स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, उसका नाम है मिस्टर चिराग राणा। चिराग ने बीसीए स्टडी कैसे की, वो स्टडी करते करते साथ में जॉब करते थे, तो जॉब और स्टडी को उन्होंने कैसे मैनेज किया, आज हम उनकी खुद की जुबानी सुनेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा ना वक्त जाया करते हुए उन्हें स्टेज पे और आपके सामने बुलाना चाहूंगा, मिस्टर चिराग राणा। गुड मॉर्निंग चिराग, कैसे हो? बस बढ़िया। तो चिराग, बात करेंगे कि आज हमारे दर्शक जो है, आज हम देखते हैं कि बीसीए एक टेक्नोलॉजी फील्ड बहुत ही बेस्ट फील्ड है, तो मैं आपसे थोड़े रूबरू क्वेश्चंस करूंगा जिससे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें पता चल सके कि बीसीए फील्ड एक कैसी बनाई हुई है और किस हिसाब से उसमें उनको काम करना है या कैसे उनको स्टडी करनी है। क्योंकि यार देखिए, हर एक का एक सपना होता है कि उनको एक अच्छी सी जॉब चाहिए, एक अच्छी सी ऑफिस होनी चाहिए, अच्छे से वो लोग काम करें और अच्छी सी सैलरी होनी चाहिए। क्योंकि आज महंगाई भरे जमाने में सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि हमारी सैलरी सबसे अच्छी होगी। तो आज लोग कहते हैं कि कंप्यूटर आईटी, तो मैं आपसे रूबरू वही बात करना चाहूंगा कि खुद आप एक आईटी के स्टूडेंट्स हैं, उस आईटी के स्टूडेंट से खुद बात करेंगे कि वो कैसे किस हिसाब से करते हैं। तो चिराग, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बीसीए फील्ड कैसे पसंद की? एक्चुअली सर, देखा जाए तो बीसीए एक प्रैक्टिकल फील्ड है, मतलब आपको उसके प्रैक्टिकल की नॉलेज है तो आप बीसीए में करेक्ट जा सकते हो, उसके लिए उसके अंदर आप फ्यूचर भी बहुत है, आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो बीसीए में एक्चुअली मेरे को पहले से इंटरेस्ट था और पहले से मैं कॉल आउट किया था कि जो फील्ड में जाओ वो फील्ड में जा। तो आफ्टर 11-12 एक्चुअली मैंने कॉमर्स किया था, तब सब बोल रहे थे तो बी कॉम ले ले, पर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि तू बीसीए ले क्योंकि तो एक्चुअली कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो तू बीसीए में आगे जा सकता है, तो करियर भी अपना बना सकता है, तो इसलिए मैंने बीसीए चूज किया था। यार मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बीसीए फील्ड में आके आपको किस हिसाब से मेंटेन होगा? जैसे बीसीए आज कहते हैं कि कोई कॉमन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें है, थियरीज है और बहुत सब सॉफ्टवेयर उसमें यूज होते हैं, तो आपने खुद की ट्राई कीजिए कि कैसे आपने बीसीए फील्ड में स्टार्ट किया। एक्चुअली सर, देखा जाए तो बीसीए में सब बोलते हैं कि थियरी प्रैक्टिकल है, पर आप जैसे जैसे बीसीए करोगे ना तो आपको पता चला कि बीसीए एक्चुअली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है, उसमें थियरी जो प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल हम कैसे करना चाहिए उसके रिलेटेड थियरी है, कोई प्रॉपर थियरी वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। तो आप बीसीए में आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज है, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, आपको कोडिंग करना है, तो आपके लिए बीसीए फील्ड इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू एंड योर फ्यूचर। तो जैसे हम जानते हैं कि बीसीए एक ज्यादातर सुना हुआ है कि कंप्यूटर आईटी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो क्या उसमें स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल बेसिक भी उसमें है कुछ, यानी थियरी बेसिक हो गया, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन थियरी हो गया, या सीधा प्रैक्टिकल फील्ड ज्यादा उस पर फोकस है? बीसीए एक्चुअली बेसिक कंप्यूटर हम लोग ऐसे स्कूल में पढ़ के आते हैं, तो लोग डायरेक्ट ऐसे प्रैक्टिकली करवाते हैं कि बीसीए में उसका बेस क्या है, अगर हमको कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो उसका बेस में क्या है, हमको पहले उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो बीसीए में लोग पहले कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैसे लैंग्वेजेस है, वो लैंग्वेज का मेन एम क्या है, उसका जो बेस वो क्या है, उसके बारे में हमको नॉलेज देता है, वो हमको पहले थियरी में देगा कि ये थियरी में आप प्रैक्टिकल करने वाले हो तो प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है, उसकी थियरी हमको पहले वो नॉलेज मिलेगा, फिर वो थियरी से हमको प्रैक्टिकल के लेके जाएगा। तो बेसिक में हम लोग पहले नॉर्मल लैंग्वेजेस है, लाइक सी है, C++ है, जावा है, ये सब सीखते हैं, फिर उसके बाद उस लैंग्वेज हमको अपग्रेड करके लोग हमको प्रोजेक्ट में ले जाते हैं, सेमिनार में ले जाते हैं, ऐसे हम लोग हमारा क्या बोलते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ाते हैं और अपनी डेवलपिंग स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, अगर कोई नया डेवलपर है, कोई नया बीसीए उसने लिया है राइट, तो जैसे कोई प्रोग्राम करने बैठा है तो एरर ही आ जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है तो सब हमको सिखाया जाता है बीसीए में। चिराग, मेरा एक क्वेश्चन है कि काफी बार हमने सुना है कि बीसीए फील्ड के साथ साथ एक ट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो प्रैक्टिकली स्कोप है, प्रैक्टिकली जो सीखना चाहिए वो हमें ज्यादा प्रैक्टिस उसमें मिलती है और उतना स्कोप अच्छे से हम क्लियर भी कर पाते हैं और पूरे सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, तो आपका क्या कहना है? अगर देखा जाए तो बीसीए में एक्चुअली कोई भी कॉलेज आ ले लो, उसमें 6 आवर्स होते हैं कॉलेज में, उसमें 4 आवर्स तो वो लोग थियरी सब्जेक्ट ही करवाते हैं और 2 आवर्स प्रैक्टिकल करवाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बीसीए से प्रैक्टिकल फील्ड, तो उसमें हम जितना प्रैक्टिकल करेंगे, जितना प्रैक्टिकल अटैच हो गए तो बेटर रहेगा। अगर आप ट्यूशन में जाते हो तो ट्यूशन का मेन एम यही रहता है कि वो लोग बीसीए को थियरी तो कॉलेज में करवाते हैं, कोई थियरी को साइड पर ही रखते हैं, नो डाउट कि थियरी का नॉलेज तो देते हैं, उस प्रैक्टिकल को ज्यादा अहमियत देते हैं कि उसको प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा हो, उसकी टाइपिंग स्किल बढ़े, उसकी प्रॉब्लम स्किल बढ़े, तो प्रैक्टिकल बीसीए में प्रैक्टिकल बढ़ाने के लिए आपको ट्यूशन करना बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने सुना है कि आपने बीसीए फील्ड के साथ साथ, बीसीए स्टडी के साथ साथ आपने जॉब भी की, और दोस्तों आज हम जानते हैं कि जॉब के साथ साथ स्टडी बहुत ही डिफिकल्ट होती है,
एक आपको जॉब पे फोकस करना है, एक आपको स्टडी पे फोकस करना है, और साथ में आपको पर्सनल लाइफ भी देखनी है। तो चिराग आपने ये तीन चीज कैसे मैनेज की, एक तो आपकी स्टडी चल रही है कॉलेज और साथ में आपने पार्ट टाइम जॉब किया जो हर एक के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो सर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि कोई भी बॉयज हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए अपने जो फील्ड में जा रहे हैं उसमें उसको टॉपर जाना है, उसकी कोच मतलब उसको हाईएस्ट जॉब, उसकी ड्रीम जॉब चाहिए, तो किसी की फाइनेंशियल कंडीशनल मतलब लो हो तो उसको जॉब करना पड़ता है। ऐसे ही मेरे थोड़ा ऐसे ही मेरा है, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी लो थी, मेरे को जॉब करना था, तो मैंने बीसीए के साथ साथ स्टार्टिंग में तो मेरे पास जॉब नहीं था, तो मैंने बीसीए स्टार्ट तो कर दिया, पर पूरे घर में प्रॉब्लम आई, तो फिर मैंने जॉब भी स्टार्ट किया पार्ट टाइम में। तो उसको मैनेज मैंने ऐसे किया कि ऐसे एक्चुअली मैं मॉर्निंग में कॉलेज थी, तो कॉलेज के आते थोड़ा रेस्ट करके और इवनिंग में जॉब जाता था, और जो रात के जो वक्त रहता था आफ्टर जॉब और कॉलेज जाने से पहले, तब मैं अपना पूरा मतलब कर लेता था कि आपको ये करना है, मतलब मेरा गोल कंफर्म था कि मेरे को मेरी ड्रीम जॉब चाहिए, मेरे को मेरा लेवल अप करना है, मेरे को मेरी सिचुएशन से बाहर आना है। जैसे आपका गोल कंफर्म रहेगा मतलब फिक्स रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो आप अपना अपना टाइम भी मैनेज कर सकोगे, जॉब भी मैनेज कर सकोगे। देख सकते हैं जैसे आपने बताया जी के जॉब के पहले एंड जॉब के आफ्टर आपने पूरी स्टडी पे फोकस किया। तो चिराग हम जानते हैं कि बीसीए फील्ड में कैसा होता है, जब एग्जाम्स का पीरियड आता है तो सबसे टफेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि उसमें इंटरनल एक्सटर्नल कॉलेज में दो एग्जाम्स आती है और दोनों एग्जाम में फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें मार्क्स ग्रेसिंग करना है। तो आपने उस हाफ पे कैसे किया और आपने क्या ऐसे कुछ ट्यूशन ज्वाइन किया जिससे आपको थोड़ा हेल्पफुल हो गया? हाँ, मैंने एक्चुअली ड्रीम प्लस करके ट्यूशन ज्वाइन किया था, उन्होंने मेरे को ऐसा मतलब टाइमिंग ऐसा प्रोवाइड किया था ना, क्योंकि मेरी जॉब भी चल रही है, मेरा कॉलेज भी चल रहा है और मेरे एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है। उन्होंने एक्चुअली मैं मॉर्निंग में कॉलेज थी, आफ्टर कॉलेज उन्होंने मेरे को टाइमिंग दिया था, कोई बीच में तो आराम करके तो जॉब आना है तो आपको आ सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रैक्टिकल कर सकता है, अगर तो कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है। तो मैंने ऐसे ट्यूशन के साथ उसको सॉल्व भी किया और ऐसा कि ट्यूशन में मैंने सब करते रहा। मैं उसके बाद जॉब पर जाता था, जॉब पर मेरे को टाइम फ्री मिलता था, तब मैं सर को कॉल करता था कि सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, तो मेरे को सर सॉल्व करके भी देते थे। एंड आफ्टर मैंने जैसे कि आपको बताया कि जैसे आपको मैंने बताया कि जॉब के बाद भी मैं करता था, तो जॉब के बाद में घर पर आकर वो प्रॉब्लम मैंने जो ट्यूशन में किया है, आज जो ट्यूशन मैंने क्लासेस में किया उसको फिर से मैं करता था, तो उससे क्या मेरा नॉलेज भी बढ़ता था, उस जो एग्जाम के लिए स्किल थी वो भी डेवलप हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। सही है। चिराग मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लासेस तो बहुत सारे होते, तो आपने ड्रीम क्लास फिक्स कैसे पसंद किया, इसमें आपने क्या ऐसा देखा, क्या क्वालिटी मेंटेन हुई इसमें? यस, मेन चीज ड्रीम क्लास। एक्चुअली सर मैं सच बताऊं, मैंने इससे पहले बहुत क्लासेस किया था पर मेरे को उसका एनवायरमेंट मतलब बिल्कुल ठीक लगा, ठीक मीन्स कि बाकी जो ट्रेनर है, जो सर है, वो मतलब ऐसे कि वो सर है और हम स्टूडेंट लेवल से ये करो वो करो बात खत्म। पर आप देखो कि ड्रीम क्लास में कि मैं गया डायरेक्ट फर्स्ट डे में गया था ना, तब मेरे को ऐसा लगा कि मैं कोई ट्यूशन हूँ, मतलब ऐसा फ्रेंडली सर्कल बैठा, आके बाजू में बैठे शेक हैंड किया, कैसा है कैसा नहीं, मतलब उनका लेवल हमारा लेवल सेम ही है, ऐसे उन्होंने मेरे साथ व्यव किया था। बस वो चीज मेरे को इतने अट्रैक्ट कर गई कि मैंने इमीडिएटली मम्मी पापा से बोल के वही पे मेरे को बोला कि मेरे को यही पे एडमिशन चाहिए। देखिए जैसे चिराग ने बताया कि कई बार हम देखते हैं कई ट्यूशन क्लासेस में हमारे पास एनवायरमेंट वैसा नहीं मिलता है, कई बार जो सर होते वो एक स्ट्रिक्ट सर होते हैं, आपके उस तरीके से बात नहीं करते हैं। और चिराग ने खुद बताया कि ड्रीम क्लास में आपको एक फ्रेंडली एनवायरमेंट दिया जाता है, जिससे आपको खुद हैंडशेक करके आपका जो फियर होता है वो पहले दूर किया जाता है, जिससे आप एक फ्रीली एनवायरमेंट में जिए, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर आप फ्रीली नहीं है तो आपका माइंड शांत नहीं है और माइंड शांत नहीं है तो आप स्टडी कैसे करेंगे। तो चिराग जी आपने बहुत ही बड़ी बात की, उसके लिए वापस एक बार क्लैप करेंगे। और एक मेन बात जो मैं आपको बता कि मैं जॉब के साथ ट्यूशन मेरे को कभी कभी लेट हो जाता था, तो सर अलाउ भी करते थे मेरे को, मतलब लाते नहीं थे ऐसा, मतलब फिर एक्चुअली मैं जॉब पर रहता था तो मेरे को टाइम कम मिलता था, मेरी स्टडी कम होती थी, तो मेरे को आफ्टर स्टडी आफ्टर जॉब या कॉलेज के बाद में जब सर को कॉल करता था, सर घर पे रहते थे, अपना पर्सनल काम छोड़ के मेरे को, एक्चुअली जब मैं कर रहा था लॉकडाउन था पड़ा था, तो मेरे को जूम मीटिंग क्रिएट करके वो मेरे को समझा रहे थे कि तू ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे नॉलेज ले तो तेरा हो जाएगा, मतलब वो अपना पर्सनल टाइम छोड़ के भी सिर्फ मेरे को पर्सनल कोचिंग भी दिया है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और तब वो उन्होंने मेरे को इतना इंकरेज किया ना कि तू तेरे जॉब भी करता है बीसीए भी करता है नो डाउट, बट तू ऐसा मत सोच कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तू सब कर सकता है। उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया, क्योंकि एक टाइम में ऐसा था कि डीमोटिवेट हो गया था, तब मेरे को सर ने ऐसा बोला था कि नहीं तेरे पास स्किल है तू कर सकता है, तेरी मेहनत है तो तू कर। तो और सर ने मेरे को ऐसा नहीं कि मेरा ही पूरा वो है, सर का जितना मेरा है उतने पीछे से मेरे को सपोर्ट करने वाले भी बहुत है, लाइक मेरे सर है, मेरे पेरेंट्स है, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि तू कर सकता है और मैंने करके भी दिखाया।
जैसे हम जानते हैं कि बीसीएस सेम वन से लेके आप देखिए सेम वन सेम टू सेम थ्री सेम फोर और सेम फाइव तक, यहाँ तक तो हमारे पास कैसा होता है कि रेगुलर इंटरनल एग्जाम एक्सटर्नल एग्जाम और रेगुलर स्टडी और कोर्स प्रैक्टिकली करना होता है। बट हमने सुना है जो बीसीएस सेम सिक्स है हमारा लास्ट सेम जो होता है वो पूरा प्रोजेक्ट एंडिंग बेस पर रहता है। प्रोजेक्ट एंडिंग बेस में हमारे पास फोकस क्या होता है, सीधा मेन प्रोजेक्ट, क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे आपको उस हिसाब से फील्ड में प्रॉपरली देना है कि आपकी उसकी डिग्री बनेगी और उसको आपको प्रेजेंट करना है। और प्रेजेंट इज द मेन इंपॉर्टेंट कि आप जो वन से लेकर फाइव तक जो सीखे हैं उसमें अपने सेम सिक्स में कैसे अपने आपको प्रेजेंट किया और किस हिसाब से आपने उस पर प्रोजेक्ट पे वर्क किया। एक्चुअली बताओ तो सर, मतलब हमारी जो टीम थी तो हम लोग के पास बहुत कंफ्यूजन था कि हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट बनाए, कौन सी टेक्नोलॉजी बनाए। सेम सिक्स में आप जाओ पहला कंफ्यूजन यही रहता है कि हम लोग कौन सी लैंग्वेज चूज करें, कौन सा प्रोजेक्ट बनाए, जिससे हम लोग को प्रोजेक्ट को कैसे डिफरेंटली डिफरेंट में उसको प्रेजेंट करें। तो हमारा बहुत कंफ्यूजन था। तो फिर हमारी पूरी टीम हमारी सर से मिली, सर ने हमको गाइड किया कि आप ये वाला प्रोजेक्ट बनाओ, ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करो। तो फिर हमने धीरे धीरे उसके ऊपर काम स्टार्ट करना चालू किया। फिर प्रेजेंटेशन की बात करें तो फर्स्ट टाइम जब हमें इंटरनल थी मतलब थोड़ी नॉर्मली गई क्योंकि हमको कोई आइडिया नहीं था प्रेजेंटेशन का। तो फिर हमने सर को बताया कि हमारे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है। तो फिर सर ने हमको पर्सनली मतलब ऐसे गाइड किया, ऐसे इंटरनल फैकल्टी एक्सटर्नल फैकल्टी उन्होंने हमको समझाया कि हमें अगर सामने एक्सटर्नल फैकल्टी तो हमको कैसे हमारा प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, कैसे हमारे सेमिनार को बताना है, कैसे उनके साथ आई कॉन्टेक्ट रखना है, कैसे उनके साथ कौन सी टोन में बात करना है और किसके बाद कौन से स्टेप उनको समझाना है प्रोजेक्ट में, वो सब हमको गाइड किया और उसके साथ हमारा प्रोजेक्ट भी बढ़ता गया सर। एंड सेकेंड वन थिंग, उन्होंने मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट था मतलब थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में जब फंस गया था तो उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया था। वो खुद हमारे साथ करने बैठे थे, हमारे बाजू में उनका पर्सनल टाइम निकाल कर उनके साथ बैठा और उनको कोचिंग दिया, उनको कोडिंग करवाया, हमको सब प्रॉब्लम सॉल्व कराया, अपग्रेड कराया प्रोजेक्ट में, जिससे हमारा प्रोजेक्ट भी आया हो, हमारा मार्क्स भी ग्रेस, हमारा मार्क्स भी ज्यादा आ सके। जैसे जानते हैं कि प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें प्रोजेक्ट नहीं होता है, उसमें उसको प्रेजेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साथ में आपको एक पूरा पीपीटी मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि उसके लिए एक आपको सेमिनार भी दिया जाता है और वही के साथ साथ आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है क्योंकि उसको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना होता है। तो आपको उसमें कैसे हेल्प मिली और आपने उसमें कैसे वर्क किया? डॉक्यूमेंटेशन में सर मैं बताऊँ ना तो हम लोग मतलब प्रोजेक्ट में पूरा इतना फोकस नहीं कि हम लोग डॉक्यूमेंट करने रह गया था सच्ची में। मतलब हम लोग आधे पीरियड मतलब प्रोजेक्ट 75% कम्प्लीट हो गया पर हमारा डॉक्यूमेंटेशन जीरो प्रीपेयर नहीं हुआ था। तो फिर हमने सर को बताया कि सर ऐसा है क्योंकि सेट सिक्स में आप देखोगे ना सर तो कॉलेज का सिर्फ क्या दो ही सब्जेक्ट रहता है वो भी 3 मंथ, और आफ्टर 3 मंथ आप जिस कमरे में जाते हो जिस क्लास में ज्वाइन करते हो उनके पास आपको हेल्प लेना रहता है। तो उन्होंने आपको पूरी हेल्प की थी तो डॉक्यूमेंटेशन में भी ऐसे ही था। तो फिर हम लोग ने डॉक्यूमेंटेशन बनाया, सर ने बहुत हेल्प की उसमें। तो उसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी कि हम लोग डॉक्यूमेंट जब करवाने गए जो जेरॉक्स वालों को जो देना पड़ता है वो, तो उसमें हमको बहुत मतलब शॉप में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। तो सर और उसी दिन हमारा लास्ट डे था हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए और हमारे पास मतलब टाइम कम था। तो फिर सर ने अर्जेंट में किसी कॉल किया उनके फ्रेंड को, मतलब उनने कितने इतने क्लोज मतलब हमारे चुके थे कि जैसे उनके प्रोजेक्ट थे उनके डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं कि कोई अलग स्टूडेंट है उनके पास, हम लोग एक ही ग्रुप नहीं थे, बहुत सारे ग्रुप थे, मल्टीपल ग्रुप थे, सबको संभालना था। उन्होंने हमारे साथ ऐसा भी हो किया लाइक उनका खुद के डॉक्यूमेंट थे, उनको कॉल किया और इमिडिएटली मतलब क्या बोलते जैसे ही गए और लाके हमको दे दिया, हमने प्रोजेक्ट सबमिट करा दिया और डॉक्यूमेंटेशन हमारा सबमिट हो गया था। तो चिराग के पास से ही पता चलता है कि ड्रीम क्लास के सर जो है वो सिर्फ आपको स्टूडेंट बेस पे हेल्प नहीं करते कि वो सिर्फ आप सर है स्टूडेंट है, आपके प्रोजेक्ट के साथ साथ जब तक आपका प्रोजेक्ट सबमिट भी हो जाता है वहां तक वो आपको हेल्प करते हैं। चिराग जैसे हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट में कई बार दिक्कत होती है कि टीम में थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन डाउन हो जाता है या कई बार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो चिराग आपकी टीम में आपको कैसे सपोर्ट मिला और क्या आपने सर ने आपको उसमें सपोर्ट किया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीम की इंटरनल प्रॉब्लम में कभी फैकल्टी बीच में नहीं आते, आपके अंदर प्रॉब्लम्स है हम उसमें क्यों बीच में बात करें, ये फैकल्टी का ऑब्वियस है, फैकल्टी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैकल्टी का काम होता है सिर्फ प्रोजेक्ट सबमिशन है। जी आपको उसमें कैसे हेल्प की? सचिन सर बताओ तो हमारे ग्रुप में भी ऐसा हुआ था, एक पीरियड ऐसा था कि हमारे मतलब बहुत क्या प्रॉब्लम ऐसा चल रहा था कि हम लोग प्रोजेक्ट कर नहीं सकते थे, मतलब एक दूसरे पे टाल रहे थे कि टू कर ये कर ये कर। तो जैसे मतलब सर के सामने कोई बोलता नहीं था, फिर सर को जैसे बाहर से खबर मिली कि इन लोग का प्रोजेक्ट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो फिर उन्होंने इंक्वायरी की कि इन लोग के टीम में चल क्या रहा है। तो उन्होंने पर्सनल सबको बुलाया, हमारे जो फ्रेंड्स सर्कल उन सबको पूछा, फिर सर को पता चला कि इन लोग की प्रॉब्लम आ रही है, पर सर ने ऐसा नहीं सोचा कि इन लोग का ग्रुप है, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, मेरा काम प्रैक्टिकल है, वो लोग पैदल ला के देखे मैं सॉल्व कर दूँगा बात खत्म,
पर सर ने ऐसा कुछ नहीं किया, सर ने चारों को बुलाया, समझाया कि तुम लोग ऐसा मत करो, तुम्हारा करियर है, मतलब ऐसा करियर तो यही, पर तुम लोग उससे पहले फ्रेंड्स हो तो फ्रेंड्स की तरह रहो, प्रोजेक्ट को साइड प्रोजेक्ट, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है इसके लिए तुम साथ में रहो, पर क्या बोलते एक यूनिट है, मतलब स्टार्टिंग से लेके आए टीम वर्क होना चाहिए। मेरा प्रेजेंट में जैसा आपने बताया प्रेजेंटेशन और सेमिनार, तो एक्सेलेंस फैकल्टी फर्स्ट पॉइंट तो यही देखते हैं कि आपकी टीम में यूनिटी कितनी है, टीम वर्क आपका कितना है, इसने कितना काम किया है। ओके, तो सर ने हम लोग को ऐसे बिठा कर पूरा समझाया कि तुम लोग मतलब सारी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी थी, उन्होंने सच्ची बात उन्होंने हेल्प भी हमको बहुत की, मतलब एक्सेलेंस फैकल्टी ने तो मतलब इंटरनल जो हमारे गाइड थे उन्होंने की है, पर उनसे ज्यादा मतलब बैक सपोर्ट है ना हमारे सर का बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितना सपोर्ट है, वो आपके चेहरे से खुशी से पता चल रहा है कि उन्होंने कितना सपोर्ट किया होगा। चेहरा मेरा क्वेश्चन ये, जैसे बीसीए कंप्लीट करने के बाद लोग ज्यादातर सोचते हैं कि फर्दर स्टडी के लिए एमसीए बेस्ट होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग जॉब कर लेते हैं, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, एमसीए इज द बेस्ट, और अगर एमसीए ना करे तो उसकी जगह पे कौन सी स्टडी ऐसी है जो बीसीए के बाद कर सकता है? अगर सर मैं पर्सनली मेरा पर्सनल कहूँ ना तो बीसीए के बाद एमसीए कौन तो बेस्ट रहता है, क्योंकि एमसीए मतलब आप बीसीए में उसका नॉलेज तो ले लेंगे कंप्यूटर कैसे रहता है कैसे, उसमें आपको अपग्रेड कैसे होना है, अपग्रेड तो आप मास्टर में जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपग्रेड कैसे होना है। आप मास्टर में जाते हो तो आपको प्रॉपर एक सब्जेक्ट के जो इंटरेस्ट होगा, आप सेम सिक्स मतलब सेम वन से सेम सिक्स पढ़ोगे बीसीए तो आपको सब्जेक्ट में प्रॉपर इंटरेस्ट आ जाएगा, तो वो सब्जेक्ट को लेकर आप मास्टर कर सकते हो। जैसे कि मेरे को पर्सनल मतलब मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट है, सी है सी प्लस प्लस है, मेरे को पहले से इंटरेस्ट था, तो वो सब्जेक्ट को लेकर मैं अभी मास्टर में जाने वाला हूँ और उसके ऊपर काम करना, तो उसमें क्या मेरा बेस्ट रहेगा, और हम लोग क्या सब में बेस्ट हो ही नहीं सकता, हमको कुछ एक चीज पकड़ के बेस्ट रहना पड़ता है, तो मास्टर कर सकते हैं राइट। तो मैं वो चीज मतलब मैं लास्ट ये कहता हूँ कि बीसीए के बाद आप जॉब भी मिल सकते हैं नो डाउट, पर आपको आफ्टर मास्टर और आफ्टर बीसीए जॉब की जो सैलरी रहती है जो मतलब जो वैल्यू कंपनी ज्वाइन करके वहाँ पे जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू भी अपग्रेड होता है, क्योंकि कोई कैसे बैचलर है मास्टर मतलब सुनने अच्छा लगता है बैचलर है मास्टर, उसमें हमको वैल्यू पता चल जाएगा। मास्टर करते हो तो मास्टर में लास्ट पीरियड ऐसा है कि जैसे हम प्रोजेक्ट के विषय में तो मास्टर में लास्ट इंटर्नशिप आता है कंपनी में, तो हमको कंपनी में जाकर प्रोजेक्ट क्रिएट करना रहता है, तो मास्टर में हम लोग मेन एम यही रहता है कि हम लोग कंपनी में जाते हैं तो हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो कंपनी का एनवायरमेंट है, कंपनी में लोग कैसे काम करते हैं, कंपनी में हमको क्या ट्रेनिंग मिलती है, हमको डायरेक्ट प्रैक्टिकल मिलता है, साथ में हमको मतलब प्रैक्टिकल ऐसे ऐसे ही मिलता है विदाउट ट्रेनिंग, और साथ में हमारा स्टडी भी चलता है और हमारा नॉलेज भी बढ़ता है कि हमको कंपनी में जाकर कैसे काम करना है, तो ये क्या बोलते हैं एक टीम से दो निशान ऐसा बोलते हैं जी, ऐसी चलिए लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग आपको पता चलेगा कि आप खुद कंपनी के एनवायरमेंट जान सकते हैं, कंपनी में एक एज एम्प्लॉय आप काम करें उस हिसाब से प्रोजेक्ट ट्रेनिंग पे काम कर सकते हैं। जी यार मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने जैसे बीसीए कंप्लीट किया है और आपका आगे का करियर फोकस क्या है, आपके बीसीए को कनेक्ट करने के बाद एमसीए आईटी कंपनी में ज्वाइन करने जिससे आपका इंटरेस्ट है कोडिंग का इनका इंटरेस्ट है बेस्ट, अब उसमें कैसे करेंगे अभी फ्यूचर के लिए? अगर बीसीए में जैसे आपको बताया कि मैं कोडिंग में इंटरेस्ट है, मास्टर अगर मास्टर को ऐसे डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता, फर्स्ट ऑल तो मैं बताना चाहता हूँ कि मास्टर को डायरेक्ट ऐसे एडमिशन नहीं मिलता है, बीसीए में कैसे कि 12 खत्म हुआ और 12 के बेस पे एंट्री मिल जाती है बीसीए में, तो मास्टर को ना पहले एग्जाम देनी पड़ती है सीमेट करके एग्जाम आती है उसको क्रैक करना पड़ता है और उसी के बेस पर उनको एडमिशन मिलता है, मतलब जितने सीमेट पर वहाँ स्कोर रहेगा उतने अच्छी अच्छी कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको सीमेंट क्रैक करना पड़ता है तब तो मास्टर ज्वाइन कर सकता हूँ। और जैसे मैं आपको बताया कि मैं कोडिंग में इंटरेस्ट, अभी मैंने रिसेंट सीमेंट दिया है उसका रिजल्ट भी आ गया और एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है मास्टर की, तो मैंने बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन मतलब प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है राइट। तो मैंने जैसे बताया आपको मास्टर की कोडिंग आप कर रहे हो ना मास्टर में, तो आप एक ही लाइन में जाओ ना तो बेटर रहेगा, मतलब सब जगह आप मतलब क्या बोलते हैं मतलब सब में टॉप तो नहीं कर सकते, पास हो गए बहुत है पर हमारा जो स्किल है हमारा जो स्किल मैटर कर रहा है जिस बेस पर जिस कंपनी में जॉब चाहिए, क्योंकि कंपनी ना एक प्रॉपर फील्ड को जॉब दे रहा है मतलब प्रॉपर जो टेस्ट मतलब जो रहता है ना क्या बोलते हैं परफेक्ट इंसान है उसको जॉब देते हैं, मतलब ये वाला ये हमें फिट बैठ रहा है तो उसको वही पे जॉब देगा, सब जगह जाओगे तो सब जगह जॉब नहीं मिलेगा आपको एक ही में जाना पड़ेगा, तो वही चीज का हम लोग नॉलेज लेंगे ना वो बेटर रहेगा। यानी आपका कहना है कि जब हम बीसीए कंप्लीट करते हैं फिर मास्टर में हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है हमें उस पर फोकस करना चाहिए जिससे हम उसमें कैरियर बना सकें, क्योंकि अलग अलग जगह पे जाएंगे तो हम इंसान कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए।
मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे एमसीए को बताया, तो क्या मास्टर के साथ साथ भी जॉब कंटिन्यू करने वाले हैं कि फिर सिर्फ फोकस आपका मास्टर पे? नहीं सर, मैं मास्टर के साथ जॉब ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मास्टर की फीस मतलब हाई रहती है थोड़ा, मतलब कोई फैमिली अफोर्ड कर सकती है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकती है। पर मेरे पास कंटिन्यू जॉब है, मैं आप जैसे बीसीए साल में जॉब, अभी रिसेंट में मेरा जॉब चल ही रहा है, तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ मेरा जॉब, क्योंकि उससे क्या रहता है कि मेरी जॉब की जो सैलरी है वो मास्टर मेरा स्टडी का वो भी हो जाता है, फैमिली पे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आता है, प्रेशर भी नहीं आता है, मतलब मेरा करियर भी चलता रहेगा। जॉब के साथ मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे को नॉलेज भी मिलता है कि हमको किस वे में जाना है, कैसे बातचीत करना है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे मैटर करना है, वो सब हमको मतलब प्रैक्टिकली फेस टू फेस मिल जाता है। तो वो मेन मेरा प्लस पॉइंट यही है कि मैं जॉब के साथ जो कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल से, मतलब कैसे किससे बात करना है, कैसे स्टडी प्रोवाइड करना है, कैसे मटेरियल कलेक्ट करना है, वो सब हमको पता चल जाता है। तो अगर आपके पास जॉब है और आप टाइम मैनेज कर सकते हो कि मैं मास्टर के साथ जॉब भी कर सकता हूँ, तो आप जॉब के साथ मास्टर जा सकते हो, इज अ वेरी गुड एंड फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा। एंड आप ऐसे मास्टर करते हो तो तुम मास्टर कर सकते हो, जैसे बीसीए के बाद आप देख सकते हो कि फ्रीलांसर्स के बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप साइड में उसका अपना नया स्टार्टअप भी कर सकते हो मास्टर के साथ साथ। अपने बीसीए पर आपको नॉलेज हो गया तो आप उसमें लाइक एडिटिंग है, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर, बहुत सारे काम हमको जॉब भी देते हैं, तो आप एक्सटर्नल मास्टर भी कर सकते हो, इंटरनल मास्टर भी कर सकते हो और जॉब भी कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि एंट्रेंस एग्जाम, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जरूरी है जैसे कि सर मैंने आपको पहले बताया कि मास्टर के लिए सीमेट इज अ प्रीफर, मतलब होनी होनी चाहिए, क्योंकि मास्टर में ऐसा नहीं नॉन सीमेट पे भी है मिलते हैं, पर सीमेट के बहुत सारे बेनिफिट है हमको, लाइक स्कॉलरशिप मिलती है, फिर हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको कैसे क्रैक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल को कोई भी स्टूडेंट आप देखो ना, तो उसको एग्जाम कैसे क्रैक करना उसका फर्स्ट स्टेप यही है सीमेट। लाइफ में फर्स्ट सीमेट ही आएगा जो उसको एग्जाम क्रैक करके दूसरे में, मतलब दूसरे में एडमिशन लेना लेना पड़ता है। नहीं तो पहले से हम देखते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड पास हो तो सेकंड, सेकंड बार थर्ड, मतलब पास हो तो देगा स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, पर मास्टर एक लॉकर अटक जाएगा। मास्टर एज अ परफेक्ट कोर्स है जो हमको सीमेट के बेस पे एडमिशन देता है, और नॉन सीमेट के बहुत सारे कॉलेजेस है जो एडमिशन देती है। पर नॉन सीमेंट में कैसे रहता है कि कोई कोई कॉलेज जो नॉन सीमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके पास ज्यादा सीट है, जिसको ज्यादा स्टूडेंट है वही, पर सीमेंट के थ्रू आप बड़े बड़े कॉलेज हो जैसे आपकी ड्रीम कॉलेज है लाइक एलडी है, जीटीयू है, निर्मा है, तो वो सारे ना बेस सीमेंट पे देते हैं। जैसे आप सीमेंट में हाई स्कोर करोगे उसके बेस पर हमको जॉब देते हैं, तो हमको पहले तो क्या बोलता है एडमिशन देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको जॉब प्लेसमेंट देंगे, तो हमको ड्रीम कॉलेज भी मिल जाता है, ड्रीम जॉब भी मिल जाता है। तो सीमेंट क्रैक करने मेरे लिए तो बहुत मतलब करने करने से कंपलसरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आप अपने करियर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। चिराग, मेरी ओर से तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आप अपने ओर से कोई फीडबैक देना चाहें कि हमारे स्टूडेंट्स उससे मोटिव हो सके और अपना बीसीए फील्ड अगर वो ले चुके हैं तो उसमें उनको कैसे पढ़ना चाहिए? अच्छा, तो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा सर कि जो बीसीए मतलब ले चुके हैं या तो बीसीए भी लेने वाले, तो जैसे आपने बीसीए ले लिया उसके लिए तो मतलब फ्यूचर ब्राइट ऐसे समझ लो अगर आप मेहनत कर दो, पर जो बीसीए लेने वाले हो तो वो चॉइस भी आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप बीसीए लो, क्योंकि आप देखो ना सर कोरोना मतलब जो लॉकडाउन है उसमें बीसीए को इतना मतलब पुश मिला ना कंप्यूटर आईटी आईटी फील्ड सब इतना अवेयरनेस हुआ ना कि आईटी में क्या है क्या नहीं वो सब आप देख सकते हो, तो बीसीए में इतना स्कोप है, तो आप बीसीए ले लो तो बीसीए बहुत अच्छा मतलब लाइन है, आप वहां पे जा सकते हो, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने बात की कि चिराग राणे के आपसे मैंने रूबरू से करवाया, ऐसे काफी स्टूडेंट हमारे बीसीए पास आउट है जिनसे मैं आपको एक रूबरू फेस टू फेस करा दूंगा। दोस्तों, इसी बात के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।